हर शहर की अपनी कुछ खासियतें होती हैं जो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती हैं। ऐसा ही एक शहर दुबई भी है जो यूएई में स्थित है। यहाँ के लोगों के शौक सबसे निराले हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए उनसे कुछ निराले शौक और उनकी निराली दुनिया की एक झलक लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एटीएम पैसे निकालने के लिए होता है, भारत ही क्या दुनिया में हर लोग एटीएम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि पैसा निकाल सके। लेकिन दुबई में तो एटीएम का प्रयोग सोना निकालने के लिए होता है। जी हाँ, यह सच है, यहाँ पर एटीएम का प्रयोग सोना निकालने के लिए किया जाता है। इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि हफ्ते में दो बार मशीन को भरना पड़ता है। रेगिस्तान में स्कीइंग करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और जब बात यूएई की आए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन दुबई में ये संभव है। इसके लिए इंडोर स्की रिजॉर्ट मिल जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट भी यहीं पर स्थित है, जिससे लोगों को एक अलग ही अनुभव मिलता है। दुबई के लोगों को विलुप्त होने वाली प्रजाति के जीव एकत्रित करने में भी काफी आनंद मिलता है। यहाँ शेर और चीता को पाला जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रेगिस्तान में मिलने वाले कछुए भी एकत्रित कर लेते हैं, जो काफी दुर्लभ माने जाते हैं और मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। अगर उबर या ओला बुक करें और बुगाटी आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? लेकिन दुबई में ये भी संभव हो सकता है। यहाँ कई बार बेसिक उबर एक्स को ऑर्डर करने पर भी लग्जरी गाड़ी आ जाती है। दुबई दुनिया का ऐसा अकेला शहर है जहाँ ये संभव है। यहाँ की एम्बुलेंस दुनिया में सबसे तेज गति वाली मानी जाती है, जो दिखने में काफी स्टाइलिश भी होती है। इनकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिससे घायल या बीमार व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाता है ताकि उसे वक्त रहते बेहतर इलाज मिल सके। यहाँ हर जगह अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं। ऐसा ही कुछ दुबई में भी है। अमीर और गरीब के बीच के इस अंतर को खत्म करने के लिए भी कई कदम उठाए जाते हैं। यहाँ गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए फ्रिज लगाए जाते हैं जिनमें मुफ्त खाना होता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।